नमस्कार, मैं लक्ष्मी सिंह सी रॉ न्यूज की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए खबरों का यह सिलसिला शुरू करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की पहली वेब सीरीज का टीजर जारी। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने फेसबुक हैंडल के माध्यम से अपनी पौराणिक वेब सीरीज अथर्व द ओरिजिन का टीजर साझा किया है। बता दें कि इसका फर्स्ट लुक दर्शकों के बीच में काफी पसंद किया जा रहा है। यह वेब सीरीज धोनी एंटरटेनमेंट कंपनी बना रही है, जिसकी स्थापना 2019 में महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी ने की थी। ममता बनर्जी पर आया राष्ट्रगान के अपमान का आरोप, कोर्ट ने जारी किया समन। राष्ट्रगान के अपमान के आरोप में ममता बनर्जी पर कार्यवाही हो सकती है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आगामी 2 मार्च को ममता को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। बता दें कि यह मामला 2 महीने पुराना है, जब भाजपा कार्यकर्ता ने ममता बनर्जी पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया था। इसका एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, जिसमें ममता राष्ट्रगान की कुछ पंक्तियां बैठकर तो कुछ पंक्तियां खड़ी होकर गाती दिखी थी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, न्यायपालिका और ईसी पर उठाए सवाल। संसद में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जोरदार धावा बोलते हुए हिंदुस्तान के 2 हिस्सों में बंटने की बात कही। उन्होंने पेगासस का मुद्दा भी उठाया और कहा कि देश के कोने कोने में हर किसी की जासूसी हो रही है। सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और इलेक्शन कमीशन जैसी संस्थाओं को सरकार अपना शस्त्र बना रही है। हालांकि राहुल गांधी के इस भाषण के बाद भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया देखने में आई है। अब आक्षेप पटाक्षेप का यह सिलसिला जारी हो चुका है। सत्ता में आने के बाद क्या योगी के खिलाफ मामलों को दोबारा शुरू कराएंगे अखिलेश? जैसा कि आप देख रहे हैं, चुनाव नजदीक है, हर पार्टी अपने प्रचार में लगी है, बड़े बड़े भाषणों का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में अखिलेश यादव ने बुधवार को एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामलों की याचिका दायर करने पर वो इस पर विचार करेंगे। योगी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इतनी तो भारतीय दंड संहिता में धाराएं नहीं है जितनी योगी आदित्यनाथ पर आपराधिक मामले दर्ज है। कांग्रेस द्वारा जारी की गई स्टार प्रचारकों के लिस्ट में नहीं है सिद्धू का नाम। कांग्रेस में यूं तो अक्सर ही हाई ड्रामा बना रहता है, लेकिन अभी यह ड्रामा इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी की गई, जो कांग्रेस ने बुधवार को की थी। अब इसमें नवजोत सिंह सिद्धू का नाम शामिल नहीं है। 30 प्रचारकों की इस लिस्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और चरणजीत सिंह चन्नी के नाम भी शामिल है, लेकिन नवजोत इसमें छूट गए।